हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन के में हमें एक लिस्ट गिवन है, हमको उस लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट है ना उसका मल्टीप्लिकेशन करके सिंपली रिटर्न कराना है या फिर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ मल्टीप्लाई लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स नाम से एक फंक्शन हमने बना लिया। इस फंक्शन को हमने कॉल किया। ठीक है, हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किए हैं फंक्शन के अंदर। ये लिस्ट क्रिएट किए तो ये लोकल लिस्ट है। इस फंक्शन के एंड हो जाने के बाद ये लिस्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। ठीक है, और पाइथन ये काम ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन से कर लेता है। अब हम ए असाइन सॉरी इंट इनपुट इनपुट फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेंगे। एंटर एलिमेंट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट You wanted to store in the list। ठीक है, backslash n। अब हम एक लूप चलाते हैं फॉर i इन रेंज ऑफ a। ठीक है, इस लूप में हम एक वेरिएबल बनाए b नाम का, b असाइन इंट इनपुट। ठीक, यूजर इनपुट किया, उसी को हम एल डॉट अपेंड में लिस्ट में अपेंड कर देगा कौन सा एलिमेंट बी को। ये लूप कंप्लीट होगा तब तक सारा एलिमेंट हमारे लिस्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और प्रिंट प्रिंट फंक्शन यूज कर लेते हैं। अरे अरे, प्रिंट एंटर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक, यूजर इनपुट किया। अब उसके बाद हम एक मल नाम का फंक्शन ये वेरिएबल बनाए जिसका इनिशियल वैल्यू 1 है। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाए फॉर आई इन रेंज ऑफ किसकी ए के। ठीक है, एक ही लाइन लिखेंगे मल असाइन मल इनटू क्या एल ऑफ आई। ठीक है, ये लूप जैसे कंप्लीट हुआ हमारा मल वेरिएबल में पूरा एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन स्टोर हो गया और लास्टली हम प्रिंट कर दिए प्रिंट आफ्टर मल्टी प्लाइंग ऑल द एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट प्रेजेंट इन आवर लिस्ट इज क्या है जो मल वेरिएबल का वैल्यू है वो उसी को हम प्रिंट कर दिया। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, इंट इनपुट सिंटैक्स एरर। अच्छा, इंट में नहीं लगता है पैरेंथेसिस, इनपुट फंक्शन में लगता है पैरेंथेसिस, क्योंकि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो उसको हम इंट में टाइप कास्टिंग करते हैं। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट वी वांटेड टू स्टोर 3 12 12 1 आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर लिस्ट इज 144 जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसी फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया क्या लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर लिस्ट नाम से एक फंक्शन कॉल किया, उसमें हम लिस्ट पास कर दिए। ठीक है, और ए पास कर दिए। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन
फंक्शन को हमने कॉल किया। इस फंक्शन को हम करने जा रहे हैं डिफाइन, डिफाइन लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। एक लिस्ट लिए और एक एन नाम का वेरिएबल लिया, मतलब इतना एलिमेंट हमारे लिस्ट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मिन नाम का वेरिएबल बनाए, उसमें हम साइन कर देते हैं एल ऑफ जीरो, ठीक है। एक लूप चलाए फॉर आई इन रेंज ऑफ वन कमा एन, इसमें कंडीशन लगाए अगर मिन बड़ा है किसके, अरे वन नहीं है भाई एल है, अगर मिन बड़ा है एल ऑफ आई के, ठीक। तो मिन में क्या अपडेट हो जाए, मतलब मिन में क्या मिनिमम एलिमेंट, सॉरी मैक्सिमम ना, मैक्स वेरिएबल में आ जाइए। अगर मैक्स, अगर मैक्सिमम वाला एलिमेंट जो है अगर वो छोटा है, इसका क्या मतलब मैक्स, मैक्सिमम एलिमेंट किस में है, एल ऑफ आई में, बस हम सिंपली अपडेट कर देंगे और ये लूप कंप्लीट हो जाने को हम प्रिंट कर देंगे लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट इज, मैक्सिमम वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर दिए, हो गया हमारा कोड कंप्लीट है। आइए इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एरर क्यों आया, ओके आउटपुट मल्टीप्लाइंग आउटपुट 120, यहाँ तक तो काम हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, और आई इन रेंज ऑफ वन से एन ना, सही लिखे थे सॉरी वन से एन, ठीक। एंटर एलिमेंट 3, 12, 1, 3, ठीक है। तो आउटपुट क्या आया, तो 12, 12, 12, 24, 36, तो बिल्कुल सही है, और उसके बाद लार्जेस्ट एलिमेंट 12 भी है। आइए इसको बड़े प्रोग्राम के लिए, बड़े टेस्ट के लिए रन करके देखते हैं, ठीक है। सॉरी, एंटर द एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट 12, 12, 12, 90, 5, 3। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर लिस्ट इज 23,32,800, ठीक है। लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट इज 90, जो कि बिल्कुल सही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।